लोकप्रिय 2019 के अपने चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं सिरसा। सिरसा वो इलाका है जो दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ कहलाता है। खास बात ये भी है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बाहरी उम्मीदवारों को जीत ज्यादा हासिल हुई है। साल 1967 से लेकर अब तक 10 बार बाहरी उम्मीदवारों ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जीत का परचम लहराया है। हम मौजूद हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिरसा विधानसभा क्षेत्र में। तमाम वोटर से हम उनकी राय जानने और समझने की कोशिश करें। डब्वाली विधानसभा के तमाम वोटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है, डब्वाली के वोटर का क्या मूड है? इस बार बीजेपी का ही ज्यादा है, बीजेपी को मोदी जी के ज्यादा हवा लग रही है हमारे डब्वाली में। तो बाकी कांग्रेस के भी है या हमारे लोकदल की, पहले यहाँ पर पुरानी पार्टी है, यहाँ पर कई लोग लोकदल को भी चाह रहे हैं, पर बीजेपी का ज्यादा हमें लग रहा है इस बार भी बीजेपी का ज्यादा होगा। यूथ में ज्यादा है या इस पूरे इलाके में ज्यादा? नहीं, पूरे इलाके में ही यूथ तो जेजेपी के दुष्यंत जी के मगर है, और बाकी जो पुराने वोटर हैं वो लोकदल के हैं। या डबाड़ी का तो लोकदल का और जेजेपी का ही मेन है जी, बीजेपी का तो इस बार ही होगा, थोड़ा बहुत होगा जो। चलिए, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, आपको क्या लगता है कि डबाड़ी के वोटर का क्या मूड है? मूड तो यही है सर, जैसे हम कह देते हैं अभी बीजेपी कांग्रेस ज्यादा इनमें ही चल रहा है जो भी मुकाबला है। वैसे कहा जाए तो ये अच्छी है, बीजेपी अच्छी है। जननायक जनता पार्टी का क्या रहेगा? जननायक जनता पार्टी का कोई कह नहीं सकते उसके बारे में। मौजूदा विधायक जननायक जनता पार्टी में है, तो ऐसे में क्या कहीं मुकाबले तक पहुंच पाएगी? हाँ, चांस है। आप डब्वाली से संबंध रखते हैं, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, क्या वोटर का मन बन रहा है? हाँ, मोदी भी चाहते हैं, मोदी चाय वाला भी चाहते हैं। हम चंगा काम कर रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, फिर आगे फिर आएगा। जननायक जनता पार्टी की मौजूदा विधायक है, यहाँ से इलाका जो है वो इनेलो का माना जाता है, तो आपको क्या लगता है इस बार मुकाबला कैसा बनेगा? मुकाबला कम ही है इनेलो का, बहुत कम बनेगा, इसका जोर बड़ा मोदी का, मोदी आएगा दोबारा। जननायक जनता पार्टी का क्या रहेगा? जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, इसके वोट बहुत कम आएंगे, सरकार ही बनेगी हरियाणा में। लोकसभा का चुनाव आ चुका है, डब्वाली के वोटर का क्या मन बन रहा है? डब्वाली हम तो ये जेजेपी को देंगे, ये इन्होंने तो कुछ नहीं करा, मोदी सरकार ने काम कारोबार बिल्कुल ठप कर दिया जी। एक तो नोटबंदी ने मार दिया, ऊपर से जीएसटी ने बिल्कुल ऐसी तैसी भेज दी हिंदुस्तान की। ये बहुत दुखी है, ये 10 वाला सिक्का है जी मेरे हाथ में, ग्राहक देने को 10 दे जाए, 5 दे जाए, हम दुकानदार है रखते हैं जी, और ग्राहक को एक वापिस दे, ग्राहक का तो हमारे गिर जाएंगे, हमारे चलते नहीं। ये काम कर दिया जी मोदी ने, बिल्कुल नकारा सरकार है, बिल्कुल नरकारा। मुकाबला किसका किससे रहेगा सिरसा की अगर बात करें? सिरसा लोकसभा सीट की, सिरसा से तो एक कांग्रेस वाले ठीक है जी, और जेजेपी का, इन दोनों की टक्कर है जी बस। बीजेपी मुकाबले से भी बाहर है जी। ये जो मोदी बिल्कुल फेल है जी, बिल्कुल फेल। मोदी लहर की जो बात करते हैं, कितना असर यहाँ दिखाई? ये उधर है जी, परली साइड में, इधर नहीं है, यूपी बिहार में कुछ होगा होगा तो, हरियाणा में नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। बाबूजी, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, डब्वाली के वोटर का क्या मन बन रहा है? डब्वाली के वोटर का मन तो है भाई केवी सिंह का, कांग्रेस केवी सिंह। अच्छा, लेकिन ये तो विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, चुनाव लोकसभा का आ रहा है, कांग्रेस का, कांग्रेस का। मुकाबला किसका किससे रहेगा? बीजेपी के साथ रहेगा, बीजेपी के साथ, बीजेपी के। जननायक जनता पार्टी भी इसी इलाके से बनी है एक तरीके से? बनी तो है, पर कुछ घट है, घट है, घट है, यानी आमना सामना जो होगा वो कांग्रेस और बीजेपी का, बीजेपी का होगा। सर, आपको क्या लगा? तो कैंडिडेट पे डिपेंड है जी, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर कहा जाता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, तो ऐसे में सिरसा के वोटर का क्या मूड रहेगा और खासकर डब्वाली के वोटर का क्या मन बनेगा? ये तो देखो जी, फिलहाल कैंडिडेट पर डिपेंड है, कैंडिडेट कौन सा कौन देती है, कौन सा बीजेपी देती है, जो कैंडिडेट बढ़िया है उसको वोट मिलेगा। बाबूजी, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन में क्या होगा लोकसभा में? इलेक्शन में तो ये बीजेपी ने तो सबको तंग कर रखा है, उसकी नीतियों से किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, कर्मचारी दुखी है, इसके ये इनको से सभी दुखी हैं, सब वर्गी दुखी हैं। अब देखो कांग्रेस है या जेजेपी है या कौन है, वो आगे देखा जाएगा जैसे होगा। आपको क्या लग रहा है लोग किसको देंगे? लोग बीजेपी को तो कम ही देंगे जी। आप किसको दोगे? हम तो देखेंगे, हमें तो अभी मन नहीं बनाया। बीजेपी मिली जुली प्रतिक्रिया डब्वाली विधानसभा क्षेत्र के वोटरों के सामने आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, कुछ ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया, मोदी लहर जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, जननायक जनता पार्टी के चाहने वालों की भी कमी नहीं है।
न्यूज ऑफ इंडिया 2019 के चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अहलाबाद विधानसभा सीट पर। साल 2014 में एनएलडी के अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के पवन बेनीवाल को हराकर यहां जीत दर्ज की थी। सिरसा जिले के तमाम दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की तरह ये सीट भी एनएलडी का गढ़ कहलाती है। अहलाबाद विधानसभा क्षेत्र में वोटरों का क्या है मूड, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बताइए अहलाबाद के आप रहने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, वोटर्स का क्या मूड बन रहा है? हाँ जी, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, वोटर का क्या मूड बन रहा है? अभी तो कोई पता नहीं लग रहा है इसमें, अहलाबाद में कोई इसी मतलब बात भी नहीं है। तो देखो अब माहौल बनेगा तो पता लगेगा। चुनाव तो सामने आ चुके हैं, माहौल नहीं बना क्या? अभी माहौल नहीं, अभी माहौल नहीं बना, बनेगा सर, अभी माहौल टाइम लगेगा टाइम। अभय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक है तो एनएलडी का गढ़िया इलाका कहलाता है, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर इसका? अब देखो सर, काम के हिसाब से पड़ेगा। वैसे तो चौटाला भी मतलब इतनी नहीं है, अब मौका बीजेपी है पूरा, यहाँ पे मतलब चर्चा चल रही है ज्यादा बीजेपी की। हाँ जी हाँ जी सर, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, वोटर का क्या मूड एलनाबाद में बन रहा है? अभी तो कोई पता नहीं है जी, कुछ पता नहीं है अभी, कुछ नहीं पता। सोचने का वक्त शायद चाहिए इस इलाके के लोगों को, समझने की हम कोशिश तमाम दूसरे वोटर से भी करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ चुका है, अहलाबाद का वोटर क्या सोच रहा है? मोदी जीतेगा जी, मोदी जीतेगा। हाँ जी, गाँव में काम बहुत किए हैं, हमारे गांव में 6 करोड़ के 3 अंडरब्रिज बने हैं, मैंने जमीन भी दिया उसमें, और खेतों के रास्ता नहीं था, कांग्रेस सरकार ने बहुत भगाया था। इस सरकार की सबसे बढ़िया खासियत है, ये सरकार क्षेत्रवाद पे नहीं है। आज करनाल करनाल है, सीएम सिटी नहीं है, करनाल करनाल है, सीएम सिटी नहीं है। इस सरकार के लिए 90 की 90 विधानसभा एक समान है। एनएलडी का गढ़ कहलाता है इलाका, तो कितना असर इसका पड़ता है? गढ़ सबका रहता है, गढ़ चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, टाइम सबका आता है, जो काम कर रहा है उसको मिल देंगे। थैंक यू। दूसरे वोटर से भी समझेंगे, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, वोटर का क्या मूड बना है? वोटर का यही है जी, हम तो नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देंगे। नरेंद्र मोदी को? ये अभय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक है, एनएलडी का गढ़ इस इलाके को कहते हैं, तो क्या मुकाबला किस तरीके का आपको नजर आ रहा है? मुकाबला यही है कि फिलहाल तो मोदी जी का ही है, क्योंकि INLD ने हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इतने साल हो गए उनको यहाँ पर रहते हुए, न तो INLD ने किया है, नहीं कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, तो कांग्रेस ने आज तक कहीं भी कुछ भी नहीं किया, तो ना तो कांग्रेस को वोट जाता है हमारा, नहीं INLD को जाता है। आप एलनाबाद के वोटर हैं, लोकसभा में क्या मन इस इलाके का बन रहा है? यहाँ तो बीजेपी का ही बनेगा, मोदी जी को चाहते हैं लोग, मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगे, और दोबारा मोदी जी को दो बार ये कह रहे हैं, दो प्लान और आना चाहिए मोदी जी। NLD का गढ़ ये इलाका कहते हैं, तो उसका कितना असर? कोई असर नहीं है जी, NLD का कोई असर नहीं है। जननायक जनता पार्टी का क्या रहेगा? वो फाइट दे सकते हैं बीजेपी को। हाँ, मुकाबले में कांग्रेस रहेगी या जननायक जनता पार्टी? जननायक जनता पार्टी। बाबू जी, लोकसभा का चुनाव आ गया, अहलाबाद के इलाके में वोटर का क्या मन बन रहा है? देखो जी, क्या कैसे काम है, लागत भारतीय जनता पार्टी है, लागत भारतीय जनता पार्टी है। इलाके में कहते हैं चौटाला का असर ज्यादा है, तो कितना फर्क यहाँ पड़ेगा? नहीं देखो जी, चौटाला का असर जरूर हुआ, पर इब घट रहा है, इब घट रहा है। चौटाला का असर डांग है कि जब मारो आप, मैं बुर खड़ा हूँ, विजय सिंह खोड़ चौधरी है, चौटाला रिश्तेदार है मेरे, खड़ो रोक रखे अच्छा किसान को, ये सैकड़ों बदली जो है ना, अभी टाइम में चौटाला खड़ो रोक रखी है, पक्को कौन बन दिया, तो वोट कूर मिल जाएगा चौटाला ने। है भारतीय जनता पार्टी को प्रोग्राम दिखे एक अंदाज, मुकाबला किससे रहेगा बीजेपी को? मुकाबला बेरोगो नहीं, मुकाबला आज तक बेरो नहीं है, मुकाबला लेस का तो बरतो लेस का है, नड़बड़ बर सिंह है। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा मन बेरोको नहीं, लोकसभा आपको क्या लग रहा है? लोकसभा में तमाम वोटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का असर इलाके में लगातार घटता जा रहा है, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो मोदी लहर का असर यहाँ देखने को मिल रहा है। मूड ऑफ इंडिया 2019 के चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र INLD का विधायक यहां से है बलवान सिंह दौलतपुरिया, और मुकाबला उनका रहा था हरियाणा जनित कांग्रेस के दूड़ा राम से। ये पूरा इलाका इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ कहलाता है, और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में वोटरों का क्या है मूड, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कि लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है, फतेहाबाद के वोटर्स का क्या मन बन रहा है? सिर्फ बीजेपी, नमो नमो मोदी जी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल का ये इलाका गढ़ कहलाता है, तमाम जो विधायक है वो इंडियन नेशनल लोकदल के सामने आते हैं, तो ऐसे में अब
किस तरीके से पूरे फतेहाबाद का जो मन है वो देखने को मिल रहा है? मेरे हिसाब से तो जी मोदी जी ने जो किया है ना वो आज तक कोई नहीं, कोई सरकार नहीं कर सकी, और सिर्फ हमारे लिए तो मोदी जी जिंदाबाद। जाट या गैर जाट भी कोई फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है जी यहाँ पे, या तो आरक्षित सीट है तो जाट या गैर जाट फैक्टर नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा जी। अब मुझे बताइए क्या मन बन रहा है फतेहाबाद के वोटर? जी बीजेपी है जी, 100% बीजेपी, चाहे सीट किसी को मर्जी मिले जी आएगी बीजेपी जी। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या होगा, किस तरीके से पार्टी अगर दो हिस्सों में बटी है तो उसका क्या फर्क पड़ा है? चाहे जी पार्टी इकट्ठी जितनी मर्जी हो जाए, गठबंधन चाहे जितना मर्जी हो जाए, पर आएगी बीजेपी जी, हम बीजेपी के साथ है जी। मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। आप मुझे बताएंगे फतेहाबाद के वोटर्स का क्या मन बन रहा है? हाँ जी, फतेहाबाद के वोटर क्या मन बन रहा है? मोदी मोदी। हाँ जी सर, आप फतेहाबाद के रहने वाले हैं? हाँ जी, फतेहाबाद के रहने वाले हैं, पास के गांव का ही। लोकसभा का चुनाव आ चुका है, वोटर का क्या मन यहाँ बन रहा है? वोटर का वैसे मैक्सिमम तो लोग अभी बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि मतलब काम तो देखो बोलता ही है। बाकी कई मुद्दे थे जैसे कि बिजली की, पहले यहाँ पे जैसे रूरल में बिजली की समस्या बहुत थी, सिर्फ 2 घंटे लाइट आती थी गाँव में, तभी लगभग जो है 24 आवर्स का वो कर दिया है। दूसरा जो बेसिक नीड थी गैस सिलेंडर की, तो काफ़ी सालों बाद में अभी यूँ लगा है कि गैस सिलेंडर वगैरह जो है वो टाइम पे पहुंच जाता है, होम डिलीवरी होती है। अनिल जी का ये इलाका जो है गढ़ कहलाता है, तो ऐसे में पार्टी दो हिस्सों में बटी है, उसका क्या फर्क पड़ेगा? उसका भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वोट आपस में बट गए हैं कुछ, तो फिर उनको और कोई जो है ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो ऐसे में देखो जाएंगे इधर ही जाएंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, राहुल गांधी गरीबों को 72,000 दे रहे हैं? कांग्रेस का तो देखिए अभी जो मैक्सिमम जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो इनकी जो बातें वो समझ नहीं पा रहे, और थोड़ा सा देखिए कुछ ऐसी जो नीतियां हैं अभी नई। जननायक जनता पार्टी एक एनएलडी से अलग होकर बनी है, उसका वजूद क्या रहेगा इस इलाके में? इस इलाके में चलो उनका ठीक है, दुष्यंत वगैरह का जो है प्रभाव अच्छा है। मुकाबला किसका किससे? मुकाबला तो देखिए अब मेरे हिसाब से तो त्रिकोणीय ही होगा, जेजेपी और कांग्रेस एंड बीजेपी। बीजेपी तो आपने तो तिकोना मुकाबला बना दिया। नहीं तिकोना तो अभी देखिए, बीजेपी तो है ही है अपर एंड पे। हाँ जी अपर एंड पे। भाई साहब फतेहाबाद के रहने वाले हो? हाँ जी। लोकसभा का चुनाव आ गया, क्या मन बन रहा है लोगों का? लोगों में ये बढ़िया है जी, मोदी का ज्यादा वो चल रहा है अब। हाँ जी। कांग्रेस का क्या रहेगा, जननायक जनता पार्टी का क्या रहेगा, एनएलडी का गढ़ कहते हैं इस इलाके को, क्या रहेगा? वैसे तो ज्यादातर जी मोदी का ही वो हो रहा है, इसमें मोदी का ही चल रहा है ज्यादा तो, बाकी दूसरे नंबर पे है कांग्रेस पे जैसे है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी? हाँ जी जननायक जनता पार्टी तीसरे नंबर पे। हाँ जी यही चल रहा है। इनेलो का क्या? ज्यादा जी मोदी का ही प्रचार हो रहा है यहाँ पे, जो भी कह रहा है, हरेक बात जो भी करते हैं तो मुद्दे के बारे में ही करते हैं ज्यादा। चलिए सिरसा के इलाके में हम मौजूद हैं, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ तमाम वोटर मोदी मोदी का पुकार यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी का जादू यहाँ फिलहाल फतेहाबाद में जरूर चलता नजर आ रहा है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के वोटर जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कि लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है, एनएलडी का गढ़ माना जाता है ये इलाका, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है? देखो जी यहाँ पर इंदौर लोग ज्यादा हुआ है, वैसे मोदी की भी अच्छी मतलब लोग पकड़े हैं। सिरसा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ लोकसभा चुनाव में किसको लीड मिल सकती है, दूसरे पायदान पर कौन रहेगा, तीसरे पर कौन? ये पहले में तो जी इंदौर लोग ही है जी, उसके बाद में कांग्रेस है, देखो जो कोई गठबंधन हो जाता है बीजेपी का या इसका, इन्हें लोग की तो कोई उम्मीद है नहीं, तो देखो जी इनेलो का ही है गढ़ माना जाता है यहाँ, इनेलो का गढ़ है, लेकिन इनेलो तो दो हिस्सों में टूट चुकी है, अब जेजेपी बन चुकी है, उससे फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा, कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है उससे,
मोदी लहर का कितना असर है? असर तो है, ये अच्छे काम किए हैं, लोग देखते हैं हर चीज को, समझदार है। आप मुझे सिरसा के रहने वाले? नहीं जी, बरातरी का। सिरसा विधानसभा में आता है? जी जी, सिरसा विधानसभा में आता है। सिरसा के वोटर का क्या मन बन रहा है, लोकसभा का चुनाव आ गया है? हाँ जी, बीजेपी को जी। बीजेपी? हाँ जी। क्या वजह है बीजेपी? काम माले स्टेज पर आने के बाद भारत माता की जय बोलता है, मैंने मुद्दा तो यही है भाई साहब। क्या ठीक है, भारत माता की जय बोलने से सब ठीक हो जाएगा? मान लो राष्ट्र का नाम लेने वाला तो है कोई, एनएलडी का गढ़ कहा जाता है इस इलाके को, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भैया, कुछ नहीं कह सकते। दूसरे पायदान पर कौन रहेगा? पहले पायदान पर कांग्रेस, दूसरे पर कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी? कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर, सिरसा के रहने वाले आप? हाँ जी। लोकसभा का चुनाव आ गया, क्या मन बन रहा है सिरसा के वोटर का? मोदी है ये तो सबको पता ही, सबको पता है, पूछने की जरूरत नहीं। नीम को पूछ लो, उसको पूछ लो, इसको पूछ, किसी को पूछ लो, बाकी तो अपनी वो है, कह रहे नहीं कि भी ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने अच्छा काम किया, इसी हिसाब से यही आएगा, किसी से पूछ लो। कुछ और वोटर हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, आप सिरसा के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? पन्नी वाला मोटा कौन सा हल्के में पड़ता है? ये रानिया हल्के में, वैसे लोकसभा सीट वो सरसा में पड़ता है। मुझे ये बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया है, सिरसा के वोटर का क्या मन बन रहा है? सरसा के वोटर जो भी बीजेपी ने कोई काम तो ऐसा कराया नहीं है, कुछ नहीं, बस ये सारी लुभानी बातें हैं, कुछ नहीं कराया। और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। इन्हें लोग अगड़ कहते हैं इस इलाके में? लोग कुछ नहीं रहा जी, उनका तो दो फाड़ हो गए, वो कुछ नहीं रहा उनका, बाप काका भतीजा दादा दादी सब वो तो फट गए। आपको लगता है कि कांग्रेस जीतेगी? हाँ, कांग्रेस जीतेगी जी। सिरसा का वोटर कांग्रेस को वोट? कांग्रेस को वोटर थे। युवा वोटर हैं आप, सिरसा के रहने वाले? यस सर। क्या मन बन रहा है सिरसा के वोटर का? बीजेपी, मोदी, ओनली मोदी, मोदी को देख के वोट दिए जाएंगे, ना कोई यहाँ पे व्यक्ति विशेष को देख के दिए जाएंगे। वह व्यक्ति ऐसा जिसने जीना सिखा दिया, जीना कैसे होता है, जिल्लत की जिंदगी नहीं जिया जाता। अब उन्होंने किसानों के लिए या नौजवानों के लिए, हर किसी के लिए उसने काम किया है। सर, लोकसभा का चुनाव आ गया है, सिरसा के वोटर का क्या मन बन रहा है? अब सिरसा के वोटर का तो ज्यादा पॉलिटिक्स में जो रुचि रखते हैं वही बता सकते हैं, मैं तो इतना ज्यादा रखता नहीं। इसलिए व्यक्तिगत क्या लगता है, दुकान पे लोग भी आते होंगे, चर्चा चलती हो? सभी पार्टियों का ठीक ठाक लग रहा है, कभी ठीक सभी की है पोजिशन, सबको बराबर रखना चाहते हैं, किसी के समर्थन में नहीं, किसी के विरोध में। जैसा है ज्यादा पार्टी होने में सब अपना अपना हिसाब से फैसला लेती है। प्रभाव किसका लग रहा है? भाजपा कांग्रेस ज्यादा तो नहीं, दो पार्टियों का लग रहा है। आप सिरसा के रहने वाले? हाँ। लोकसभा का चुनाव आ गया, क्या मन सिरसा के वोटर का? मन तो सपने में मोदी जी का है, रात ने सोचे नहीं, धड़कने खड़ी है, वो लगा मेरा मन तो। अच्छा, मुकाबला किसका, किससे रहेगा? मुकाबला कोई नहीं कहेंगे। ये इनेलो का गढ़ कहते हैं, कुछ है क्या? बहुत आगे देखी जाएगी, इनेलो का गढ़ रहेगा नहीं, पहली होता उदय बिलाल तक कहने नाम भी मन तो मोदी जी का है। आप बताएं, लोकसभा का चुनाव आ गया, सिरसा के वोटर का क्या मन बन रहा है? सिरसा वोटर जी में तो इंडियन नेशनल लोकदल नहीं गिरा। इंडियन नेशनल लोकदल वैसे तो कहते हैं कि इलाका इनेलो का गढ़ है, लेकिन दो हिस्सों में बंटने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ पड़ेगा, अच्छा पड़ गया, पड़ गया। ये जननायक जनता पार्टी नई पार्टी बनी है, उसका कोई असर है कहला? देखो जी, एलनावाद हल्के में तो कमी है, क्यों वो बिल्लू को मेन गड्ढ है, हम एलनावाद हल्के ही। कोई फर्क पड़ा, जननायक जनता पार्टी भारी है या इनेलो भारी है सिरसा में? अब भी ये मैं तो एलनावाद हल्के में, अभी इनेलो भारी है। चलिए आप बताइए, भाग के जा रहे हो? नहीं, मेरी दुकान पर आया जी, बात कर रहा हूं। आप बताइए, दुकान की बात? आपका लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने वोट देना जी? ठीक है भाई, सरकार आनी चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर लाग रही पहले, और बढ़िया काम करेगी, अब भी आओगी तो मोदी को कोई फायदा होगा? जितना आया है जिससे इसका नुकसान है, हर बंदो पहले तंग है मोदी से, नुकसान है, घाटा बाधा जो होना रहे सारा मोदी कारण से होना। चलिए, तमाम वोटर्स अपनी राय सामने रख रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ है, और यही वजह है कि इंडियन नेशनल लोकदल के अच्छे खासे वोट इस इलाके में इनेलो को मिलेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी को अपनी प्राथमिकता बताने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है, मुकाबला कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल में भी है, भारतीय जनता पार्टी में है, और कांग्रेस को अपनी प्राथमिकता बताने वाले वोटर्स की भी संख्या अच्छी खासी है। मूड ऑफ इंडिया 2019 के अपने इस चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टोहाना विधानसभा क्षेत्र में।
कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला इसी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुभाष बराला के अपने इलाके में वोटरों का क्या है मूड, ये सब कुछ हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। टोहाना विधानसभा क्षेत्र में वोटरों का मूड क्या है, क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में? अभी तक तो कुछ नहीं है जी, जब कैंडिडेट आएगा तब पता चलेगा जी। केंद्रीय जो चुनाव होते हैं या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर अक्सर कहा जाता है कि लड़े जाते हैं, टोहाना के वोटर का क्या मूड आपको नजर आ रहा है? अभी तक तो कोई मूड नहीं है जी, अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दे उठा रही है जी। हाँ, बीजेपी कुछ अलग मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस अलग उठा रही है जी। किसानों का तो कोई मुद्दा है नहीं जी, ना रोजगार का कोई मुद्दा उठा रही है जी, जबकि मेन किसान का और रोजगार का मुद्दा होना चाहिए जी। इसमें सारी पार्टियां विफल है जी। बीजेपी ने जो लुभावने नारे दिए थे जो अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया जी। सिरसा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कहा जाता है कि चौटाला परिवार का ये गढ़ है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का इस इलाके में क्या रहेगा और जननायक जनता पार्टी को कितने वोट हासिल हो पाएंगे? यहाँ चौटाला साहब का दबदबा रहेगा जी हमेशा, जजपा का तो कोई लंबा चौड़ा जनाधार नहीं है जी, तो चौटाला साहब की परंपरा की सीट है जी। अब की बार भी है संभावना जिसकी फाइट पूरी होगी। लेकिन इनेलो दो हिस्सों में टूटकर अब जननायक जनता पार्टी में तब्दील हो चुकी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इनेलो का वोटर अभी इनेलो के पास है या जननायक जनता पार्टी के पास? ये इनेलो के पास है जी। हाँ चलिए, हाँ आप मुझे बताइए कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र के वोटर का मूड क्या है, लोकसभा के चुनाव सामने आ चुके हैं। ऐसा है सर जी, ये जो एरिया है सरसा साइड का ज्यादातर ये लोकदल पार्टी का एरिया है। इस हिसाब से जैसे बीजेपी है, बीजेपी जैसे सत्ता में आई है उस हिसाब से इन्होंने लुभावने वादे दे करके यहाँ जो कार्य करने थे वो कार्य नहीं किए। आने वाले समय के जो ये इनेलो जजपा दो पार्टी बन चुकी है, आने वाला समय जजपा की तरफ है। जजपा का जो भी कैंडिडेट होगा वो भी तरफ। मुकाबला किसका किससे रहेगा? मुकाबला ज्यादातर तो बीजेपी और इसके अंदर ही रहेगा, जेजेपी के अंदर। कांग्रेस कांग्रेस का भी तो जो वादे इसके साथ चल रहे हैं सर जी, उसके बारे में पूछेंगे। चलिए आप मुझे बताइए, युवा वोटर हैं, टोहाना के वोटर का मूड क्या है, लोकसभा का चुनाव आ चुका है? हाँ बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव अपने सिरसा सीट से जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि बीजेपी ही निकालेगी सीट। टोहाना के वोटर का मूड बताइए। टोहाना के हिसाब से ही सुभाष बराला ही जीतेंगे। सुभाष बराला ही जीतेंगे, आपको लगता है कि वही उम्मीदवार बने? क्योंकि बिल्कुल जी, वही उम्मीदवार बनेंगे क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते सीट भी उन्होंने बांटनी है, तो टोहाना की सीट तो सुभाष बराला जी के पास ही जाएगी। और जहाँ के विकास कार्य देखा जाए तो इस हिसाब से सुभाष बराला ही जीतेंगे। आप मुझे बताइए कि क्या लगता है टोहाना के वोटर का मूड क्या है? टोहाने का तो सुभाष बराले का ही ज्यादा वो है। लोकसभा का चुनाव आ गया, किसका पलड़ा भारी रहेगा, पहले पायदान पर कौन, दूसरे पर कौन? दूसरे तो पता नहीं, पहले पायदान पर सुभाष बराला ही है इस टाइम, क्यों जो विकास हो रहा है सड़कों का और का उसके इसमें सुभाष बराला ही है। आप मुझे बताइए क्या लग रहा है? हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या होगा? यही लोकदल का ही रहेगा जिस पर। हाँ जी, लोकदल का ही फाइट रहेगी। जननायक जनता पार्टी? हाँ जी, जननायक जनता पार्टी का क्या रहेगा? वो तो कंपटीशन में ही है जी, वो तो मौके पे होगा जी। बाकी बीजेपी ने विकास किया है क्या? हाँ कार तो रहा, लेकिन नोटबंदी के बाद लोग थोड़ा परेशान भी है। नोटबंदी के बाद परेशान है। सर टोहाना के रहने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, टोहाना के वोटर का मूड क्या बन रहा है? भाजपा मोदी। वजह क्या है? मोदी की लहर है, फटाफट चले मोदी। बराला ने विकास करवाया क्या इलाके का? विकास तो थोड़ा कराया, लेकिन मोदी आए थे। मुकाबला किसका किससे? मोदी और इसका होगा ही, कांग्रेस का ही। कांग्रेस का। जननायक जनता पार्टी पीछे है अभी, एनएलडी पीछे। टोहाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक सुभाष बराला के काम से इलाके के लोग ज्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम का सारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस इलाके में मिल सकता है। टोटल न्यूज का ये चुनावी सफर आगे भी लगातार जारी रहेगा, हम तमाम दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में वोटरों की राय को जानने और समझने की कोशिश करेंगे।